साबका प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के जन्मदिन मौके AN गुजराल सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे वलों सालाना इनाम वंड समागम करवाया गया, जिस विच मुख मेहमान वजो शामिल हुए संसद मैंबर हंसराज हंस का स्वागत, ट्रस्ट के जनरल सकत्तर गुरजोत कौर, ट्रस्टी नीना सोंदी, अनुराधा सोंदी, सीमा चोपड़ा, CEO नविता जोशी, प्रिंसीपल ज्योति श्रीवास्तव और समूह स्टाफ मैंबर ने किया। ट्रस्ट के प्रधान नरेश गुजराल के दिशा निर्देशों अनुसार करवाए इस समागम की शुरुआत शमा रोशन करके की गई। मुख मेहमान हंसराज हंस ने नारी निकेतन ट्रस्ट के संस्थापक AN गुजराल और पुष्पा गुजराल को श्रद्धांजलि भी भेंट की। इस उपरांत शाबाशियां थीम ते आधारित पेश किए गए प्रोग्राम दे विच स्कूल दे 12वीं दे विद्यार्थी हेड बॉयज यश अते हेड गर्ल कामना ने मुख मेहमान दा स्वागत करते हुए विद्यार्थियों दे वल्लों सिक्ख्या खेडां अते सभ्याचारक सरगर्मियां दे विच कीतियां प्राप्तियां तो जाणू करवाउंदे हुए स्कूल दी सालाना रिपोर्ट पेश की। समागम दौरान निन्ने मुन्ने बच्चों वल्लों तैयार किए सभ्याचारक प्रोग्राम दे विच वख-वख राज्यां दे लोक नाच पेश करके हाजरीन दा मन मोह लिया। इस दे नाल ही विद्यार्थियों दे वलो इसरो दियां प्राप्तियां नूं बड़े ही प्रभावशाली ढंग दे नाल पेश कीता गया। इस तो बाद बच्चियां नूं सम्मानित कीता गया। इस दे नाल ही ट्रस्ट दे मैंबरां वल्लों हंसराज हंस दा सम्मान कीता गया। हंसराज हंस ने नारी निकेतन दे स्कूली बच्चियां वल्लों बनाए गए मॉडलां नूं वेख्या ते उन्हां दा हौसला भी वधाया। इह यही नहीं, हंसराज हंस वालों बाहरले पासे लगियां सतिकारत AN गुजराल अते पुष्पा गुजराल दियां लगियां मूर्तियां ते भी श्रद्धा दे फुल भेंट कीते गए। जांदे जांदे उन्हां नारी निकेतन दे विच रहिंदे बच्चियां दे नाल समां भी बिताया। समागम दौरान हंसराज हंस वालों बच्चियां दी खूब हौसला अफजाई कीती गई ते नाल उन्हां होर की कहा आओ सुनाउंदे हां। मेरे लिए जितने भी लोग इतने तशरीफ फरमा ने और इज्जत की जगह ने, एहतराम की जगह ने, रिस्पैक्ट की जगह ने, इस रोड पर मैक्सीमम मैं पैदल चलिया हाँ। मेरे कोई वहीकल नहीं सी हुंदा, मैं इस रोड नाल यानी नकोदर तो लैके मेरा पिंड शफीपुर उत्तर नकोदर फिर इस रोड पर परिक्रमा करता रहा उम्र पैदल ही चलें। और नारी निकेतन इस बोर्ड नू, इस बिल्डिंग नू बड़ी देर तो मैं निहारता हाँ। अज मैं हाजिर होया बहुत इमोशनल विच विच मैं हो जाता सा। मैनू लग रहा सी कि मंदिर जाना, पूजा करना बहुत बड़ी गल है, बहुत अच्छी गल है। मस्जिद जाना,
इबादत करना बहुत अच्छी गल है। गुरु घर जाना, गुरुद्वारे साहब जाना, मत्था टेकना, पाठ करना बहुत अच्छी गल है। पर अगर रब नूं पुछो, भगवान नूं पुछो, उस गॉड नूं पुछो कि ये जो वख-वख तरह के रिचुअल्स असीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि ए भगवान, ए मेरे रब, तेरे कब्जा है कुदरत, साड़ी जान है, जो असीं ये कर्म करते हैं पूजा पाठ, तुसीं उहदे तों खुश हो, मेरा ख्याल आ वो कहणगे जिन्ना तुसीं समझदे हो मैं उतना खुश नहीं हाँ। ये पूजा पाठ तुसीं अपनी सैटिस्फैक्शन लई, शांति लई, जां अपने घर लई, तरक्की लई, जां व्हाटएवर जो इंसानी जरूरत है उहदे लई करदे हो। मेरा ख्याल रब आई कैन अज्यूम ओनली कितने दर्शन हुए, रूबरू भी पुछांगे कि मैं कुछ होंगे, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जां वड्डियां तों वडेरियां तों जो सुनिया, अगर रब नूं खुश करना है, मालक नूं खुश करना है, उस क्रिएटर नूं खुश करना है जो सब का साडा मालिक है, तो वो यही करना पड़ेगा जो नारी निकेतन में तुसीं सेवा कर रहे हो। सारे स्टाफ नूं असीं प्यार नाल, गुरजोत नूं, गुगली बेटी जिन्हें निकनेम इन्हां दा, मैनूं तो निक्के जिहे नज़र आउंदे आ। गल ये कि धीआं जां मातृ शक्ति जां मावां, रब तो बाद अगर दुनिया च इस धरती ते इस प्लैनेट ते क्रिएटिव पावर है तो वह मातृ शक्ति रब तो बाद। किसी पैगंबर नूं उन्हां दे फॉलोअर्स ने पूछिया सी कि तुसी जन्नत दा जां स्वर्ग दा बड़ा जिक्र करदे हो कि अच्छे कर्म करोगे जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, उहदा नक्शा की है, फीलिंग की है, उत्थे दी माहौल की है स्वर्ग दा जन्नत दा। उन्हें कहा बेटा मैं दुनिया च मिसाल तो कोई नहीं, लेकिन अगर उस तरह का कुछ फील करना चाहते हो तो कदे कदे माँ के चरणों में बैठ जाया करो, तो जन्नत नसीब होगी, तो जन्नत वर्गी फीलिंग है। देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ लव, मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी का कोई बदल नहीं है दुनिया च। जो किसी बच्चे को तुम सहारा देंगे हो तो समझो मालक खुश होंगे। एक किसी ने लिखा सी, घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, आज यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उस तो बड़ी कोई भगती नहीं, उस तो बड़ी कोई वर्षिप नहीं, इस तो बड़ी कोई इबादत नहीं है। और ये शहर मेरे लिए बहुत ही अहम है, मेरा शहर, मेरे लोग, जिन्हों का सारे का मैं कर्जदार हाँ। जो जिद चेहरे वाल मैं वेखदा वह कुछ ना कुछ मैं देना ही होंगे, तो इस करके मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मैं इतने हाजिर होया हाँ। और नारी निकेतन हूँ तो नर नारी भी हो गए, बच्चे बेटे भी सच गए, बेटिया भी शरीफ बेटिया भी इतने एडमिशन मिलती है और उन्होंने बड़ा अच्छी तरह विजिलेंट हो के सारे बच्चों दीदी वाला या माँ वाला प्यार जो देंगे हो, ये तो कोई मुल नहीं दुनिया च कोई नहीं। मैं देखा कि मुहब्बत लई सारी दुनिया तरसती है, लेकिन मुहब्बत मुल नहीं मिलती, काश पैसे ना ले जा सकती, ये तो कोई कॉमन हिरदा हो जो फीलिंग कर सकता हो, रिलेट कर सकता हो कि मेरे बच्चे मैं कितना प्यार करता हाँ या करती हाँ। वो फिर रिलेट करके जो देखता मेरे बच्चों वर्गे है, फिर वो अपने बच्चों नाल भी जो ज़्यादा प्यार करते हैं तो सौ रब की मैं लगे रब बहुत खुश होंगे इस गल तो ही करते रहना चाहिए। मेरा जाती तजर्बा, मेरे दो बेटे है, एक बेटी है, हूँ तो पोतरी भी कोई बेटी है, वो तो बोलना लेट शुरू करेंगे। एक बेटी शमिंदर कौर का नाम, छीना छीना से कहने, बेटे बिजी हो जाते हैं कई बार अपने कारोबार। एक दिन बड़ी देर की गल है, मैं उदो शो बिजनेस चीसा कोई शूटिंग वगैरह करते, 10 बजे कॉल आई
कहते डैडी जी सत श्रीकाल मैं सत श्रीकाल बेटा जाग रही सवेरे स्कूल नहीं जाना कहते जी बस सौने लगी सी जब सौ गई मैंने ख्याल आया मेरे डैडी जी काम करते शायद रोटी खाधी है मैंने कमी खाई तुम खाना खाते देखिए बड़ा मेरा मन कर रहा है तो मैं गुरजोत अपनी बेटी का शुक्रगुजार हाँ तुम पता ही है कि एक कैसे माँ बाप की बेटी है मेरे लिए सारे इज्जत की जगह ने मीना मैडम हो गए सोनी मैडम चोपड़ा भैन जी एक महान एक शख्सियत उन्हां दी बेटी ने जिहड़े हमेशा वड्डियां दा रोल करदे सी मिलाउण लई हमेशा तत्पर रहिंदे सी ते सीईओ मैडम मैं उन्हां दे चरण बहुत स्पर्श कीते ते मैं सब का शुक्रगुजार हाँ और जदों भी तुसीं हुक्म करोगे जो हुक्म करोगे मैं बतौर अदना जहा सेवक तो हाजिर हो ही जाया करांगा लेकिन जो कोई फंड शंड चाहिए हो एम पी कोर्ट में मैं जो कहोगे मैं हाजिर हो जाएगा जो भी जिदा मैडम ये इन्हों का ही है जो भी है जो ये हुक्म करेंगे और एक बार फिर मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ अपने लोगों के चरण स्पर्श किए दर्शन किए